क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स प्रिंसिपल्स होल लेसन्स इन हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंसर। स्टूडेंट्स हाय, कैसे हैं आप लोग? आज आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल एचडी विद प्रिंसर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे इज योर चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आज आपका अध्याय 5 शुरू होगा। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स टू Shown about the generating effect। Students, chapter number 5, वंशागति। वंशागति में हम विभिन्न प्रकार के जैविक प्रभावी और अप्रभावी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। Students, इस chapter को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, देखिए और नोट कीजिए। Students, see this chapter with attentively conditions, read, listen and note इन योर नोटबुक विच डेफिनेशंस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज आपका 12वां अध्याय शुरू होता है, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट वी स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 हेरिडिटी एंड डिफरेंसेस। फर्स्ट मेल डीएनए एंड फीमेल डीएनए एंड मेक द जायगोट्स इज कॉल्ड द हेरिडिटी। स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता वह गुण है जो कि नर और मादा युग्मक के द्वारा किसी भी प्रकार के युग्मनज का निर्माण करता है, अर्थात किस नर और मादा युग्मक के द्वारा डीएनए के मेल से बना हुआ युग्मनज आनुवांशिक या आनुवांशिकी कहलाता है। इस युग्मकों का अध्ययन इस विज्ञान की इस शाखा में करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ऑफ साइंस दिस ब्रांच वी कैन टेलिंग अबाउट द हेरिडिटी कंडीशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स एंड मेक विद बोथ डीएनए मेल एंड फीमेल मेक द न्यू जायगोट्स इज कॉल्ड द हेरिडिटी। छोटे पौधे से कराया जिन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम से प्रदर्शित किया गया और दोनों पीढ़ियों का F1 और F2 नेम से अलंकरण किया और देन इन दोनों जेनरेशंस का क्रॉसिंग ओवर फर्टिलाइजेशन कराया गया। देन कैपिटल टी और स्मॉल टी जेनरेशन यानी F2 जेनरेशन मिली जिसमें T1 इफेक्टिव लॉन्ग कंडीशन जो इफेक्ट था वो इस जनरेशन में इंडिकेट हुआ, यानी मटर के पौधे पीले झुर्रीदार और लंबे हुए। स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेज मिक्सिंग ऑफ द F1 जनरेशन F2 एंड इट इज़ द टॉलनेस द मेन इफेक्टिव कंडीशन ऑफ पैरेंटल इफेक्ट। इट्स कॉल्ड द हेरिडिटी। स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिलक्षित होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेंडल का यह प्रयोग काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ और यहाँ से इन्होंने 3 नियम निकाले। पहला, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम स्टूडेंट, लॉ ऑफ एफेक्टिव जेनरेटिव क्वालिटीज। जेनेटिव क्वालिटीज़ मीन्स होता है जो पैतृक गुण होते हैं, यानी जो फर्स्ट पीढ़ी के गुण हैं वे गुण अन्य पीढ़ियों में परिलक्षित होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, टू इफेक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ द पेरेंटल जनरेशन फ्रॉम
टू चाइल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। स्टूडेंट्स, पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक समागमन ही आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसकी खोज हो जाने से बहुत प्रकार से जो असाध्य रोग थे, जैसे कि आनुवांशिक रोग, कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल देते, अगर स्त्री कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, इफ फीमेल एफेक्टेड द कलर ब्लाइंडनेस इलनेस, वर्ण अंधता। स्टूडेंट्स, इन दिस डिजीज द पेशेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द रेड एंड ग्रीन कलर। स्टूडेंट्स, वर्ण अंधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज लाल और हरे कलर को परिभाषित नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। से संबंधित हैं वे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने डिफाइन किया है, इसको आप स्लो कंडीशन में, स्लो फ्लो में हमने डिफाइन किया है, नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक में। और एनी टाइप क्वेरी अगर होती, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख भेजें, वी कैन आंसर इन शॉर्ट टाइम। हम आपके प्रश्नों का इंतज़ार करते हैं और उसका आंसर भी देंगे। स्टूडेंट्स, काइंडली दिस चैनल। स्टूडेंट्स, नाउ डिस्प्ले द डेफिनेशंस ऑफ सम पैरेंटल डिजीज। एट फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम्स, सेकेंड एडवर्ड सिंड्रोम। इट डिस्कवर्ड बाय द विलियम एडवर्ड्स, सो इट्स नेम द एडवर्ड सिंड्रोम। इट इज़ द रीजन ऑफ 10th कपल्स चेंजिंग इन द क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक विकार है, इसकी खोज लैडेड डाउन ने किया था। इसमें 46वें जोड़े के स्थान पे 47वां जोड़ा जीन से जुड़ता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा, मत्था चौड़ा, गर्दन छोटी और मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। स्टूडेंट, दिस चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इलनेस ऑफ मंगोलिक फुलनेस, इन दिस फुलनेस इलनेस हैज़ अ फ्लैट फेस एंड स्मॉल नेक एंड देयर ब्रेन इज अनडेवलप्ड कंडीशंस। एज अ फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन टेल इट। स्टूडेंट्स, एकाधिक गुणसूत्रों के कारण या एक से कम गुणसूत्र होने के कारण एक संख्या बढ़ जाती है तब भी इस प्रकार की डिजीज उत्पन्न होती हैं, और एक संख्या घट जाने पर भी, यानी 46 के 47 हो गया तब भी आनुवंशिक रोगों के कारक बनते हैं ये जीन्स, और 46 की जगह 47 से 48 हो गया तब भी खतरनाक जेनेटिक बीमारियां, इलनेस उत्पन्न होती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताया गया था, ये जो आपके सामने डायग्राम इंडिकेट हो रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम इंडिकेशन ऑफ द यूरेटस। यूरेटस हैज़ टू पाइप, फर्स्ट ओविडक्ट पाइप एंड ओव्यूल, देन एंट्री द स्पर्म इन द डिफ्यूजिंग कंडीशंस 1 to n एंड 1 to n गिव्स आउट टू एन न्यू सेल्स एंड 2 इज इंक्रीजिंग आउट द 4 इज इंक्रीजिंग आउट द 16 इज इंक्रीजिंग आउट द 32
32 is increasing down the last condition 64. At moment of the ureter's wall, the sperm 64 number of cells can join the with sperm and they can make the new generations. If any condition they have many time mutations as according to 64 double condition doubling conditions, then if the new generation will be twins. Students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनते हैं, करोड़ों में से कोई भी एक स्पर्म मादा जननांग अर्थात गर्भाशय में प्रवेश करता है और ये 2n स्टेज यानी माइटोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस और बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ सेल्स जब बनते हैं तभी यूरेटस अर्थात गर्भाशय के दीवार से चिपक जाते हैं और ये नई जनरेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, यही जब कपलेशन जस्ट डबल शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार के लैंगिक विकार से, तो ये 64-64 के दो ग्रुप अलग बना लेते हैं, इस प्रकार से दो जुड़वा संतानें होती हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह कभी कभी आपने सुना होगा ट्विंस जनरेशन यानी जुड़वा पीढ़ियों के बारे में, दो एक जैसे बच्चों का जन्म होना, और कभी कभी ट्विंस कंडीशन में ये कंडीशन भी आपके सामने देखने को मिलती है, दो बच्चों के अंग एक साथ ज्वाइंट होना। ये कंडीशन होता है जहाँ पर 64वां जोड़ा तैयार होता है, 64th सेल्स, वहाँ पर दो 64 सेल्स एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसके रीजन में दो कपल एक साथ ज्वाइंट होकर के बर्न हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी जेनेटिक इनलेस आपको बाय फिगर बाय डायग्राम आपके सामने इंडिकेट किया गया है, काइंडली नोट डाउन इट विथ केयरफुल विद डायग्राम एंड यू कैन सी विद देयर केयरफुल कंडीशंस एंड इफ़ यू क्वेरी देन एट लास्ट कंडीशंस। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो वॉज देन फॉर न्यू वीडियो वी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू with new educational definitions for the bio classes. Students, ये इस chapter के अंतिम अध्याय में था, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप नोट करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। स्टूडेंट, अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो Dear student, I hope to you, you can full attentively see, read, study and write in your notebook important topic. Then you can gain the best knowledge in examination of UP board or any type competitive examination. Students, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और अपने नोटबुक में इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी किया होगा। यदि आपने ऐसा किया होगा तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 101% सक्सेस गेन करेंगे। थैंक्स फॉर विजिटर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली वेट फॉर न्यू अपडेट। To subscribe, share and like this channel. अगले new study channel updation के लिए इंतज़ार कीजिए और इस channel को share, like और subscribe करिए ताकि जो भी updation हो सबसे पहले पहुँचे आप तक। धन्यवाद।